कहीं ब्रेक नहीं लेंगे? जरूरत पड़ेगा तो ले लेंगे। अच्छा, जरूरत लेने की आवश्यकता नहीं सर, खराब चलते हैं ऐसे, चलते सुपरफास्ट। हाँ सरकार, आपके पिताजी का नाम तो हम सब जान लिया कि दशरथ जी, आपके बाबा का क्या नाम है? महाराज अज। महाराज अज, महाराज ने केवल बोला जाए अज। अज, अब सुन ले आप लोग भाई, इनके बाबा है अज, तो इनके ये नाती पोता है, तो नाती पोता हाथी घोड़ा होगा थोड़े, अज का बेटा अज, अज के पोता अजय होगा ना, तो अज के खानदान में बकरे तो होगा। एक अर्थ, दूसरा भाव ये सुनिए कि मिथिलानियों का, आप सुने थे कि मिथिला के गाड़ी संसारी न समझो, ये गाड़ी है वेदों का साध्य, मतलब ये भाव है व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण निर्गुण विगत विनोद सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या के। अज मतलब अजन्मा, ये अजन्मा है इसलिए इनको अज की उपमा दी जा रही है। बात समझ में आ गई ना? हाँ सर। अच्छा, तो क्या आपके मन में कोई और जिज्ञासा? अब हम सबके उपमाओं को सुनकर गुलाब जी तो बिल्कुल ठिठक गए, अभी गाड़ी में ब्रेक लग गया, वो सुपर फास्ट स्पीड से चल रहे थे। अच्छा, ब्रेक भी सही ठिकाने पर लिया जाए सरकार, बराबर भे चारों। अब लागे कैसे मतलब ये चारों भैया आंगन में ठारे कैसे लग रहे हैं? यही ना, तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि जो स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े स्तंभ और दो स्वर्णमयी स्तंभ के तरह दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि दुल्हा जी तो परम चैतन्य, और एक परम चैतन्य दुल्हाओं की उपमा परम जर, खंभा तो परम जर है, ऐसा क्यों? ये आश्चर्य हो रहा है, यही ना? अच्छा, खंभ खंभ जड़, खंभ जड़ किंतु दुल्हा जी परम चैतन और इनको परम जर खम्मा से उपमा। हाँ सर। तो सुनिए, इस बात के लिए मैंने दिया कि जय और चैतन सब मेरा में नहीं अंत है सकी। Yeah.
सर्वत्र जो व्याप्त जिनकी सत्ता है, रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण रामाय इच्छते उदय। इसलिए इस राम जी रूपी इस मूल तत्व को प्रकट करने के लिए भक्तों के पास एक प्रेम रूपी चाबी है। उसी चाबी से संसार रूपी तिजोरी से, विश्व रूपी तिजोरी से इसको प्रकट करते हैं भक्त लोग, संत लोग। इसलिए राम ही के शौर्य जगत वाले राम ही के सुनकर कुछ दुल्हा जी के ऊपर विशेष प्रतिक्रिया हो रही है, बता दूं? बता दूल्हा रुमाल इसलिए दे रहे हैं कि जो इनकी बतीसी है कहीं किसी को दर्शन न हो जाए, कोई नजर न लग जाए, इसलिए उसको छुपाने के लिए चारों दुल्हा जी अपने मुख पर रेशमी रुमाल दे रखे हैं। मुस्कान को छुपा रहे हैं और हम सब मिथिला वासियों तो मात्र और आपसे कोई याचना नहीं है। हमरा न चाहिए दुल्हा
ऐश्वर्य की जरूरत नहीं मिथिला में, हम सब मिथिला वासी किया जाए इसको, इसलिए दूल्हा मुशकत मुख दे रुमाल है सखी, दूल्हा मुशकत मुख दे रुमाल है सखी, पर झांकी देखी के नारायण निहाल है स्वामी जी की इन पंक्ति की व्याख्या हुई, करि आरती अर्घ तीन दिन्ना, और क्रम आगे बढ़ रहा है। अभी बिठाना मत दुल्हा जी को, वहीं रखा जाए। सरकार ध्यान दे, विधि दो तरह की होती है, एक वैदिक विधि एक लौकिक विधि। तो वैदिक विधि तो इन पंडितों के द्वारा होगा, जो हमारी मिथिला के विशेष आचंडिता हमारी मिथिलानिया है। उसमें एक विधि यह है, पीछे होंगे और सब वैदिक ब्याह विधान, पहले लौकिक रीत यह दुल्हा कूटे धान। हमारे दुल्हा जी के हाथ में, चारों दुल्हा जी के हाथ में मिथिलानियां मूसल पकड़वाएंगी और मूसल प्रदान करके निवेदन करेंगी, दुल्ह कर मूसल गहा कांच सूत लिपटाए, अलीगन धान कुटावती गीत अठोंगर गाए। इसको हमारे मिथिला में अठोंगर की विधि कहा जाता। इसका भाव यह है कि दुल्हा जी से मिथिलानियां शर्त कराएंगे कि हे सरकार, आपको गीन करके आठ ही चोट मारना है। हाँ ठीक है, तो थोड़ा आगे की सबको ऊंचा कर दिया जाए कि सबको दर्शन हो। हाँ, कोई विशेष पर सभी हमारे आचार्य विद्वान इसको जानते हैं प्रायः कि पुरुष को अंगीकार किए बिना प्रकृति परम जर मानी जाती है, और प्रकृति को अंगीकार किए बिना पुरुष परम चैतन्य होते हुए भी निष्क्रिय है। दोनों परस्पर मिलकर के इस सृष्टि की क्रिया और कलाप करते। तो निवेदन किया जा रहा है कि सरकार, आप तो परम पुरुषोत्तम है, लेकिन फिर भी आपको प्रकृति को अंगीकार करने के पहले प्रकृति के जो आठ संख्या है, भूमिरा पूर्णो वायु खम्भनो धीरेवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अश्वधा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, जो प्रकृति के ये आठ संख्या है, पहले इसको आप मिलाएं।
अब एक भाव की दुल्हा जी इस पर जिज्ञासा करिए कि हे मिथिलानियों, हमसे आप सब धान क्यों कुटवा रही हो? दुल्हा पूछे, हे तू कहो क्यों कुटवाओ हो धान? जी जी हाँ सखी, ये धान कुटने की जो परंपरा आपके मिथिला में है, हाँ राजेश किशोरी, इसमें कारण क्या है? इसमें विशेष कारण यह तो यह है सरकार, आठ चार और इसमें आ जाएंगे सरकार। सखिया बोली बिहस यह लौकिक ब्याह विधान। इस असार संसार में अहे नाथ कछु सार, सारे असार को गही रहो देहु निकार असार। धान में अक्षत सार है सरकार, इस संसार में कुछ सार भी वस्तु है, कुछ आसार है, लोगों को आप शिक्षा देते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहो और थोथा दे उड़ाए। आज सरकार यहाँ आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा ली जा रही है कि आप इस असार संसार में से कितने सार को आप निकाल पाते हैं। इस असार संसार में अहे नाथ कछु सार, सार सार को गही रहो और देहु निकार असार। सरकार इस धान में भी, इस उखल में धान रखा गया है और धान में, धान में अक्षत सार है, भूसी है असार। तो सरकार धान में जो रखा गया है उसमें असार इसका भूसी होगा और सार अक्षत, अक्षत जो छत नहीं हो, टूटा हुआ नहीं हो। अच्छा। देखे कि तो असार तज आप निकार हो सार, आठ छोट गिन करके मारना है सरकार और आठ छोट में आपको अक्षत सार को निकालना हो, जो छत नहीं। एक बाब दूसरा यह कि या ही मिश तुम्हरो ललन होत जांच पड़ताल, हो तुम काहू और के अथवा दशरथ। सरकार आठ चोट में अगर आप बिल्कुल अक्षत निकाल दिए तब तो हम सब मिथिलानियां समझ लेंगे कि आप सही में चक्रवर्ती दशरथ जी के हैं और कुछ गड़बड़ हुआ। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा ठीक है, हम लोग तो निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, रिजल्ट पता लगेगा तब। सरकार गिन गिन के यहाँ के मनमानी होगी तो दशरथ की लाल छी की दो सर के दशरथ के शर्म तो नहीं आएगी ना? नहीं नहीं, हम तो निकाल देंगे। अच्छा, ना ही तो पहले ही कैसे रिजल्ट आप निकाल दिए? हम जानते हैं। अच्छा, ना ही तो कौनो दम दो सारक्षत। क्या बताऊं? क्या बताइएगा, विशेषता किसकी होगी? किसकी? केहन चमत्कार हमारे मिथिला के मूसर होगा, तो केहन चमत्कार हमर मूसर के मिथिलानिया इनको बांधी और बांध करके हर्षित है। क्यों? कि जो पूरे विश्व को तीन गुणों की डोरी में, कर्म की डोरी में बांध रखा है इस पूरे जगत को, और उसी प्रभु को आज हम सब बांध रही हूं धागा में और बांध करके मिथिलानिया निवेदन कर रही है, अपने भाग्य की सराहना कर रही है। जिन बांधे सुर असुर नाग नरकर प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म यशोमति हटि बांधे सकत न छोड़ी। उसी सरकार को आ
आज मिथिलानियां बांध करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और निवेदन कर रहे हैं कि चित चोरवा आज बनई लनो है, चित चोरवा आज बनई लनो है, सब शान गुमान बनो लन 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 है, चित चोरवा आज देखिए ये सब जोगी मुनि वन में धरे ध्यान जिनका लागी, जोगी मुनि वन में धरे ध्यान वही हमरा मिथिला में भेल में हमान है, मिथिला में टूटे छठि दान है, गोस्वामी जी भी सरकार इसको स्वीकार किया, हम सब नाता जोड़ा मिथिलावासियों से, कहीं के लिए मानस में सुकृत के राशि नहीं लिखा, लिखा गोस्वामी जी ने, हम सब सकल सुकृत के राशि जग जनम जनक चित चोरवा के चोखे दृग कोरवा, 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 पारी कर जवा के खेलने है, पारी कर जवा के खेलने है, चित चोरवा चोरवा के लाले लाले कोरवा, चित चोरवा के लाले लाले कोरवा, चित चोरवा के लाले लाले कोरवा, चित चोरवा के लाले लाले कोरवा, मन मोरवा के भर मोलन है, आए मन मोरवा के भर मोलन है, चित चोरवा मणि के मुसरवा, सुने के मैया पे मणि के मुसरवा, आठे छोटे चोरवा बनालन है, आए आठे छोटे चोरवा बनालन है, चित चोरवा
अच्छा माइक से बोला जाए ताकि सब सुन ले। आधा धान आधा चावल। आधा धान अभी सेखी बता रहे थे कि बिल्कुल मैं अक्षत निकाल दूंगा। कहिए दुल्हा जी। निकल गया है, जो आधा है वो अयोध्या का है। अच्छा आपको मिथिला का। अयोध्या वासी और मिथिला वासी की पहचान भी नहीं है। ओ चारों भाई में आप आधा अयोध्या का आधा मिथिला का है। नहीं नहीं चावल और धान में जो चावल आ गया वो अयोध्या का है। शेर चौरबा बनाए शुभ करवा से इस विधि का भाव समझिए आप लोग। धान कूटने से जो चावल निकला, जो चावल टूटा हुआ न हो उसको अक्षत कहते हैं। उस अक्षत को मिथिलानिया आम्र की हरी पल्लव में पुरिया की तरह उसको पहले एक दाहिने तरफ और दुल्हन की बाई कलाई में इसको बांधेंगे और ये कब खुलेगा स्वामी जी के शब्द में। सुदिन से संपन्न होने के बाद इसको मिथिलानियों के द्वारा इसको खोला जाएगा। अब कंगन बांधा जाए दुल्हा जी के दाहिने कलाई में। ये विधि अब पूरी हुई। अब दूसरी लौकिक विधि,